दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। सबसे पहले मानसून केरल के तट से टकराया, इसके बाद कर्नाटक समेत कई अन्य राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रविवार को तड़के भारी बारिश हुई, जिससे यहां भी राज्य में मानसून का मौसम शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 4 जून को भविष्यवाणी की कि मानसून अगले 24 घंटे तक केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अब यह मानसून इन सभी जगहों पर पहुंच चुका है और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। वहीं अब यह मानसून पश्चिमी तटों पर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। गोवा और महाराष्ट्र में भी मानसून पहुंच चुका है, यहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। शनिवार को मुंबई, ठाणे समेत कई अन्य राज्यों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इन दो राज्यों में मानसून की आमद 5 जून को ही हो गई। स्काईमेट वेदर की माने तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल समेत पूर्वी भागों में मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरम चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह मानसून के सीजन की बारिश नहीं होगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले 10 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। IMD का पूर्वानुमान कहता है कि इस हफ्ते दिल्ली में गर्मी से राहत के आसार कम ही हैं। दिन के वक्त पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार और सोमवार को आसमान पर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी होती रही। वहीं मंगलवार को दिन के समय तेज हवाएं चलने लगी, जबकि आने वाले समय पर तेज धूप होने का अनुमान है। इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जनतंत्र TV के लिए सौरभ सोलंकी की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।